जय हिंद। नमस्कार मेरे शेयर सैनियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पे। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है ये स्पेशली SSC GD फिजिकल को लेकर है। मैं आप सबको बता दूं SSC GD का इस बार का जो फिजिकल है वो मई अंत तक क्यों चलाएगा, क्योंकि पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो मैंने आपको पहले ये बोला था कि मई में आपके फिजिकल हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में आपको अपडेट भी देने वाला हूं कि आपका फिजिकल कब तक हो सकता है, अंतिम तिथि एक नोटिस भी आपको दिखाऊंगा और उसके कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, साथ ही मेरी एक जो सलाह है वो आप मान लीजिए। बहुत सारे बच्चे हेल्पलाइन नंबर पे हमारे पे कॉल करते हैं, बोले सर हम फिजिकली कट ऑफ आने के बाद में आपके पास में आएंगे फिजिकल करने के लिए। बाद में आप आ तो जाओगे लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप पास हो जाओगे, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। SSC GD में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, तो इसके लिए आपका सांस को एल्गोरिदम और पैर बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। लॉन्ग रनिंग में अगर आपके पैरों में शीन पेन हो गया या और भी कोई इंजर्ड आ गया, कुछ भी क्रेक आ गया, या आपका सांस का एल्गोरिदम सही से सेट नहीं हुआ ना, तो रनिंग पास नहीं कर पाओगे और बाद में फिर बैठ के पछताने के अलावा आपके पास में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि मई के महीने में अंतिम का मतलब हो गया जून में, यानी पूरे जून आपका जो फिजिकल चलेगा, जून में कितनी भयंकर गर्मी होती है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो अभी से कम सुबह सुबह रनिंग कर लो, अकेडमी भले ही आपकी इच्छा हो तब आ जाना फिजिकल करने, लेकिन घर पे कर रहे हो तो भी कर लो। अब मैं आपको बताता हूं कि मई अंतिम में जो आपके फिजिकल होने के चांसेस क्यों हैं। ये SSC GD 2022 वाला नोटिस है, इससे पिछली भर्ती का आपको स्पेशली दिख रहा होगा। ये जो नोटिस था ये कब आया था, SSC GD पेपर होने के बाद में, यानी जो फिजिकल की जैसे आपको आंसर किया है, उसके बाद में एक नोटिस आया था। इसमें कहता कि पिछली बार जो पेपर अंतिम हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी को, ठीक है। 14 फरवरी को पिछली बार पेपर खत्म हो गया था, 14 फरवरी 2023 को। वो फिजिकल कब से स्टार्ट हुआ देखो, 15/4/2023, यानी फिक्स 2 महीने बाद में फिजिकल हुआ था पिछली बार। और मैं आपको बता दूं पिछली बार की भर्ती और इस बार की भर्ती का जो टाइम है, यानी भर्ती कंडक्ट करने का टोटल टाइम है, वो बिल्कुल सिमिलर रखा गया है, ठीक। अभी और नोटिस है, ध्यान रखना, यही पे बात खत्म नहीं है, आगे और देखना, वीडियो पूरा देखना है। तो पिछली बार 2 महीने बाद में फिजिकल हुआ, इस बार अंतिम पेपर कब हुआ है। अब आप बोलोगे सर 30/3 को हुआ है 2024 को, लेकिन वैसे आपके ऑफिशियली 12 तारीख को ही खत्म हो गए थे, तो इसमें से कौन सी डेट काउंट होगी। तो मैं आपको बताऊं ये वाली डेट काउंट होगी 30/3। ये क्यों होगी मैं आपको बता दूं, यानी मई के अंत से आपके फिजिकल शुरू होंगे, जो कि जून के पूरे महीने में आपके फिजिकल चलेंगे। अगर आप पिछली बार का नोटिस देखो तो ये आपके सामने प्रूफ के लिए मैं नोटिस भी लाया हूं। अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं, थोड़े से बने रहिए आप मेरे साथ। ये SSC GD की ओल्ड वाली वेबसाइट है ssc.nic.in, इस पे जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जो आता है, अगर हम इसको ओपन करें, इसको ओपन करके अभी हम देखेंगे, देखना मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। इसके अनुसार जो अगस्त वाली भर्ती है SSC की, देखो ये रही कांस्टेबल GD जो भर्ती है अगस्त वाली, 27 अगस्त से भर्ती आने वाली थी, 27 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसकी जो एग्जाम की डेट है उसको एक बार ध्यान से देखना, यहां पर दिसंबर 2024 और जनवरी 2025, ध्यान से देख लिया, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025, ठीक है। यानी दिसंबर और जनवरी में इसके एग्जाम होने हैं, ये अपडेट थी। किसमें है ये, SSC GD की ओल्ड वाले जो कैलेंडर है उसमें। अब हम चलते हैं SSC की जो नई वाली ऑफिशियल वेबसाइट है ये, उस पर, वो है ssc.gov.in, ठीक है। इस पे अगर हम चलते हैं, यहां पर अगर हम कैलेंडर देखते हैं, ये देखो यहां पर इस साइड में दिया हुआ है एग्जामिनेशन कैलेंडर, यहां पर अगर हम कैलेंडर देखते हैं तो इस कैलेंडर पर आप सबसे अंतिम में जब देखोगे, ये देखो कांस्टेबल GD आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही होगी, कांस्टेबल GD CAPF वही भरती है, 27 अगस्त से फॉर्म भरे गए हैं, 27/9 तक फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन जो एग्जाम की तिथि है वो देखो क्या है, जो एग्जाम की तिथि है वो है जनवरी फरवरी, यानी दिसंबर जनवरी को जनवरी फरवरी में बदल दिया गया है नई अपडेट में। ये नई अपडेट आपको तो कब की, ये आपका जो पेपर डिले हुआ था ना उस दौरान की नई अपडेट है, क्योंकि SSC ने आपको बताया नई वाली वेबसाइट तभी लॉन्च की है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, तो इसीलिए जो एग्जाम की डेट काउंट होगी वो 30 तारीख होगी, यानी अगर हम 30 तारीख से फिक्स 2 महीने लगा ले तो 2 महीने बाद में, यानी 30 मई के आसपास आपके फिजिकल शुरू होंगे, पूरे जून के महीने में आपके फिजिकल चलेंगे, तब तक अपने आप को तैयार रखिए और ये बात पक्की है। यानी मई 15 अगर हम कम से कम भी नजदीक मानो तो मई 15 से पहले आपके फिजिकल शुरू नहीं होंगे, लेकिन मई 15 के बाद में एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे और आपको पूरी अपडेट भी मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो
जून के महीने में कड़ाके की गर्मी रहेगी, इसलिए अपने आप को अभी से तैयार कर लो। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत।